हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम क्लास 5 की टूलिप बुक है ऑक्सफोर्ड की, ठीक है, इसका चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। ओके, इसको मैंने स्टार्ट इससे प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स एंड जर्मिनेशन जो है टॉपिक क्लियर कर दिए थे। अब हम करेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। क्या करना है? डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या होता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड इज द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड टू डिस्टेंस प्लेस बाय विंड, वाटर, एनिमल और ह्यूमन बीइंग। डिस्पर्सल किसे कहते हैं? स्कैटरिंग को कहते हैं, यानी कि बीज का सारी जगह फैला देना, यानी स्कैटर कर देना, उसको बिखरा देना, उसको कहते हैं डिस्पर्सल, ठीक है। अब कौन बिखराएगा सीड्स को, ठीक है? खेतों में तो भाई इंसान बिखराता है, एक जगह पे हम लोग बोते हैं उसको और उसको इस तरह से डिस्पर्स करते हैं, लेकिन जिन प्लांट्स को प्राकृतिक रूप से जो जंगलों में लगे हुए हैं उन प्लांट्स का डिस्पर्सल कैसे होता है? तो कुछ प्लांट्स का डिस्पर्सल, यानी कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनको विंड बिखेर देती है इधर उधर, कुछ को वाटर, कुछ को ह्यूमन बींग्स और कुछ को एनिमल्स डिस्पर्स कर देते हैं, और कुछ जो होते हैं खुद ही एक्सप्लोड होके वो अपने बीज को बिखेर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है। अब डिस्पर्सल जरूरी क्यों होता है? डिस्पर्सल क्यों जब जरूरी होता है? अगर बीज का पूरा गुच्छा अगर हम एक ही स्पेस पे, एक ही जगह पे डाल देंगे तो वो प्लांट्स जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको क्या स्मॉल एरिया मिलेगा और उनको न्यूट्रिएंट्स भी कम मिलेंगे, तो वो क्या कर पाएंगे? नहीं, जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्लांट्स अगर तुम कहीं खेत में लगा रहे हो तो कुछ डिस्टेंस पे लगाना चाहिए, एकदम एक ही साथ सारे प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए। डिस्टेंस पे क्यों लगाने चाहिए? ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके और उनको वाटर, मिनरल्स जो भी उनको नीडेड है वो मिल सके, ठीक है। एक ही प्लेस पे अगर हम सब चीज़ों को लगा देंगे, सारे बीजों को लगा देंगे, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। डिस्पर्सल ऑफ सीड द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड टू डिस्टेंट प्लेस, ठीक है, यानी कि सीड्स को स्कैटर किया जाए, यानी कि बिखेरा जाए अलग अलग डिस्टेंस प्लेस पे, दूर दूर फैलाया जाए, उसको कहते हैं डिस्पर्सल। अब ये प्रोसेस होता है हमारा किसके द्वारा? विंड के द्वारा, वाटर, एनिमल्स, इन सब के द्वारा होता है, यानी इन लोग हेल्प करते हैं डिस्पर्स करने में सीड को, ठीक है। इसीलिए विंड, वाटर, एनिमल्स, इन सब को हम क्या कहते हैं? एजेंट ऑफ डिस्पर्सल भी कहते हैं, ठीक है। एजेंट ऑफ डिस्पर्सल क्या है? विंड, वाटर, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ये सब क्या है? एजेंट ऑफ डिस्पर्सल है। अब विंड जो होती है, विंड कैसे डिस्पर्स करती है? विंड जो होती है, जिसके जो प्लांट होता है जिसके बीज जो होते हैं बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, हल्के होते हैं तो वो विंड में, हवा बहुत तेज चलती है तब विंड में क्या हो जाते हैं, ब्लो कर जाते हैं, यानी उसके साथ में, हवा के साथ में वो बीज जो होते हैं, हल्के बीज जो होते हैं उड़ जाते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे डेंडेलियन, मैपल, ठीक है, और साइकमोर एंड ड्रमस्टिक कॉटन, इनके बीज जो होते हैं बहुत लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है, जे बहुत तेज हवा चलती है तो इनके बीज प्लांट में से निकलकर हवा में उड़ते हुए दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं, और जब हवा रुकती है वो कहीं पर गिर जाते हैं और उनको एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है तो वहाँ वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। इस तरह से विंड जो है हेल्प करती है किसका? सीड का डिस्पर्सल करने में, ठीक है। कौन से सीड का? सीड आर लाइट इन वेट होंगे उन सीड्स का, विंड हेल्प करती है डिस्पर्सल में। इसी तरह से वाटर जो है, वाटर भी हेल्प करता है डिस्पर्सल में, जिस तरह से कोकोनट एंड लॉटस, कोकोनट प्लांट होते हैं और लॉटस प्लांट होते हैं जो कि पानी के पास में ही होते हैं, लॉटस तो पानी में ही होते हैं और कोकोनट साइड में पानी के किनारे में होते हैं, तो क्या होता है इनका फ्रूट जो होता है उसका फाइब्रस कोट होता है। कैसा कोट होता है? फाइब्रस कोट होता है जिसकी वजह से वो वाटर में फ्लोट कर सकते हैं, इजीली फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो कोकोनट और लोटस प्लांट होते हैं उनके सीड्स जो होते हैं उनका फाइब्रस कोट होता है जिसकी वजह से विच मेक्स देम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, और वो फाइब्रस कोट उनको हेल्प करता है कि वो फ्लोट कर सके वाटर सरफेस के ऊपर,
और फ्लोट करते करते वो नदी में, कोई तालाब में, कहीं पर भी फ्लोट करते हुए दूसरी जगह पर चले जाते हैं और वहाँ पर वो जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से न्यू प्लांट वहाँ पर रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे वाटर जो है उसने अपना डिस्पर्सल का रोल प्ले किया। इसी तरह से एनिमल एंड ह्यूमन बींग, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग ये भी हेल्प करते हैं डिस्पर्सल में। कैसे हेल्प करते हैं? एक प्लांट होता है जिसका नाम है एक्रियांथिस एंड एक होता है कॉकलेबर। ठीक है, ये प्लांट्स जो होते हैं इनके बीज जो होते हैं स्पाइनी टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे बीज होता है उसमें कांटे कांटे से ऐसे ऐसे लगे होते हैं, कई बार तुमने देखा होगा उसको ऐसे हम फेंकते हैं तो वो कपड़ों पे चिपक जाते हैं। ठीक है, उस टाइप के बीज होते हैं। तो इनकी कोट कैसी होती है? इन सीड्स की कोट होती है स्पाइनी यानी कांटेदार। ठीक है, विच स्टिक टू फर ऑफ एनिमल, जिसकी वजह से वो एनिमल्स के फर उनके बालों में चिपक जाते हैं या बर्ड्स के पंखों में चिपक जाते हैं या ह्यूमन बींग के कपड़ों में चिपक जाते हैं और इस तरह से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं। इसी तरह से ह्यूमन एंड सम एनिमल्स लाइक मंकी, यानी कि इंसान और मंकी और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं? फ्रूट का केवल फ्लैशी पार्ट खा लेते हैं और बीज को, सीड को थ्रो कर देते हैं। जैसे हम मैंगो को खाते हैं और मैंगो का सीड जो है फेंक देते हैं, ऑरेंज को खाते हैं ऑरेंज का सीड थ्रो कर देते हैं, है ना? उसी तरह से कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बींग क्या करते हैं? फ्रेशी पार्ट ऑफ फ्रूट खा लेते हैं और उसका सीड थ्रो कर देते हैं, लाइक मैंगो एंड ऑरेंजेस। ठीक है, अबे सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट फ्रूट अलोंग सीड्स, कुछ एनिमल और बर्ड्स जो होते हैं वो कोई फ्रूट को उसके बीज के साथ ही खा लेते हैं। ठीक है, बीज के साथ ही खाने के बाद क्या होता है? उनकी जो बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स होती है, बीट होती है, यानी कि वो जहाँ पर बीट करेगी वहाँ पर उस फल के, जो फल उसने बीज के साथ खा लिया है उसके बीज जो है उसके बीट में आ जाएंगे और वहाँ पर जहाँ पर भी गिरेगी वहाँ पर वो प्लांट ग्रो कर जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? बेरीज एंड गोवास। ठीक है, कुछ बेरीज होती हैं जैसे कि हमारा ये शहतूत होता है, इसको कोई बर्ड खा लेगी तो क्या करेगी? इसके बीट में इसके बीज जो है वो मिक्स हो जाएंगे और वो जहाँ पर भी बीट करेगी वहाँ पर नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनकी ड्रॉपिंग से भी ये प्लांट सीड्स जो होते हैं डिस्पर्स होते हैं। ओके, अच्छा, ये तो हमने बोला एजेंट्स के थ्रू सीड डिस्पर्स हुआ। कुछ सीड्स जो होते हैं वो खुद ही एक्सप्लोजन के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। कैसे? एक प्लांट है, प्लांट के अंदर सपोज ये हम पी पॉड की एग्जांपल ले रहे हैं, एक मटर की फली लगी है। ठीक है, अब ये मटर की फली जब पक जाएगी, बिल्कुल येल्लो हो जाएगी, तो क्या होगा? ये सूख जाएगी और इसकी जो आउटर कवरिंग है फली की ये फट जाएगी और जिससे क्या होगा? ये बीज नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सप्लोजन, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। ये फट जाएगी और एक्सप्लोड हो जाएंगे बीज जो इधर उधर बिखर जाएंगे, तो इसको कहते हैं डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। इसके एग्जांपल है पी एंड बालसम। ठीक है, इनकी फलियां जो होती हैं वो पकने के बाद फट जाती हैं और उनके बीज स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर डिस्पर्स हो जाते हैं। ओके, अ प्लेस वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन अंडर फेवरेबल कंडीशन। नर्सरी वो जगह होती है जहाँ पर अच्छे अच्छे फ्लावर्स के पौधे और ऑर्नामेंटल प्लांट्स या बहुत अच्छी क्वालिटी के पौधे जो हैं उनकी फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से उनको सेल किया जाता है, हम लोग वहाँ से उसको बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो नर्सरीज में ज़्यादातर क्या होते हैं? ऑर्नामेंटल सजावटी प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं ग्राफ्टिंग, जैसे होता है ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, ये दो टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू क्या करा जाता है, अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं नर्सरी में ताकि उनको सेल किया जा सके, बेचा जा सके। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या होता है? जब हम एक प्लांट के ऊपर, एक प्लांट है, सपोज ये प्लांट है, ये प्लांट है, इसके ऊपर दूसरे प्लांट की कटिंग, दूसरा प्लांट है ये हमारा, दो प्लांट है, इधर से काट के इसको दूसरे प्लांट के ऊपर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ यानी कि चिपका दूँ,
तो उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग, ठीक है। और लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग में जैसे एक प्लांट है, सपोज ये प्लांट है, इस तरह से इसके स्टेम्स हैं, ठीक है, और ये इसकी रूट है ना। तो यहाँ पर ये जो प्लांट की एक स्टेम है, इसको हम मिट्टी में दबा देते हैं, यहाँ से मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ पर रूट ग्रो कर जाती है और फिर यहाँ से कटिंग कर देते हैं, एक नया प्लांट बन जाता है। इसको कहते हैं लेयरिंग प्रोसेस। इस तरह से अलग अलग टेक्निक यूज़ करके अच्छे से अच्छे वहाँ पर प्लांट्स जो है ग्रो किए जाते हैं, ताकि उनको बेचा जा सके। ओके, तो वो होती है नर्सरी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थ्रू सीड्स एंड थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स थ्रू सीड्स। अब सीड्स के बारे में हमने क्या क्या देखा? सीड स्ट्रक्चर देखा कि सीड स्ट्रक्चर कैसा होता है, जर्मिनेशन देखा, सीड में जर्मिनेशन कैसे होता है, डिस्पर्सल देखा, सीड का डिस्पर्सल कौन से एजेंट करते हैं और डिस्पर्सल होता क्या है, और थ्रू डिफरेंट प्लांट्स पार्ट ऑफ प्लांट्स में हमने देखा कि स्टेम से कैसे प्लांट ग्रो कर जाता है, रूट से और लीफ से कैसे प्लांट ग्रो कर देता है, ठीक है ना। इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक सीड से, एक उसके डिफरेंट पार्ट्स से। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं तुम्हें, ठीक है। कोकोनट आर डिस्पर्स बाय वाटर और एयर, इनमें से कौन सा आंसर राइट है वो बताना है। सीड डिस्पर्स बाय ह्यूमन बींग, सीड जो डिस्पर्स कर इंसानों के द्वारा, ह्यूमन बींग के द्वारा डिस्पर्स होता है, वो कौन सा है? मैंगो है कि मैपल है। सीड डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से कौन सा सीड जो है डिस्पर्स होता है, बालसम या मैंगो। द प्रोसेस ऑफ सीड स्कैटरिंग टू डिस्टेंस प्लेस इज कॉल्ड, ये प्रोसेस जिसमें सीड स्कैटर हो जाते हैं इधर अलग अलग प्लेस पे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्पर्सल कहते हैं या रिप्रोडक्शन कहते हैं। मैपल सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर और विंड, वाटर से डिस्पर्स होते हैं मैपल सीड या विंड से। एंड रोज प्लांट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू रूट और स्टेम। सेवेंथ क्वेश्चन है, विच प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू लीफ, लीफ से कौन सा प्लांट रिप्रोड्यूस हो सकता है, स्वीट पोटैटो या ब्रायोफाइलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वीट पोटैटो कैन रिप्रोड्यूस थ्रू, स्वीट पोटैटो किससे रिप्रोड्यूस कर सकता है, रूट से कि स्टेम से। तो इनके आंसर्स तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। कैसे लिखने हैं आंसर, देखो ऐसे, क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर लिखना है जैसे ए, क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर जो भी है बी है तो बी, ऐसे क्वेश्चन वाइज इनके आंसर इस तरह से ऐसे करके कुछ भी जो भी तुम्हारा राइट लगता है वह तुम इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि तुम्हें ये एक समझ में आ रहा है कि नहीं लेसन। हाँ, तो वीडियो को लास्ट में सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कर दिया करो, और कमेंट में ज़रूर इनके आंसर लिखना। ओके, थैंक यू।